हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। देखो, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जोगिरिया सारा राम मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। यह मूवी शुरुआती दिनों में जब ओपनिंग करती है तो ये 40 लाख की ओपनिंग करती है। तो सोच रहे हो तुम किस तरीके का इसका क्रेज़ है। अरे घंटा क्रेज़ है, कुछ क्रेज़ नहीं है भाई। सर नवाजुद्दीन सिद्दीकी इतने सालों से ये इंडस्ट्री में है भाई साहब। अभी तो ये मतलब लोगों के बीच इतने पॉपुलर भी हैं, और इनकी जोगिरिया सारा राम मूवी जो है भाई मस्त मूवी है, मस्त कहानी है, और फिर पूरी की पूरी कॉमेडी मूवी है, जो कि भाई थिएटर में लोग इतने खतरनाक तरीके से ये मूवी देखकर हंस रहे थे। और फिर वहीं फात सामजी की मूवी आती है तो भाई ऐसे लगता है अरे यार चलने दो चलने दो, बस ऐसे चलने दो। इस तरीके से मूवी उनकी थी, लेकिन ये मूवी पूरा का पूरा लोगों को हंसाती है। और फिर बात करी जाए फास्ट एक्स मूवी, जो कि हॉलीवुड से सबसे एक्सपेंसिव मूवी होने के साथ साथ इंडिया में आके 100 करोड़ का बिजनेस कर लेती है। मतलब अभी 96 करोड़ की कमाई वो कर ली है, कल परसों तक तो वो कर ही लेगी। और फिर बात करें केला स्टोरी, बवाल मचाई रही है, फुल ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, ये 226 करोड़ की कमाई कर ली है। लेकिन बात है इस मूवी की, मतलब ये 5-6 दिन का इसका कलेक्शन देखा जाए तो 1 करोड़ 75 लाख की पूरी कमाई कर ली है। तो क्या कर ली, घंटा कर ली है भाई, फ्लॉप हो गई है। और फिर वही विद्युत जयमाल की मूवी भी आती है काफ़ी अच्छी खासी, AB71, वो भी एक अच्छे भाई स्पाई बेस पर मूवी, प्रूवेंट पर बनी हुई है, इंस्पायर है उससे, तो वो भी यार फ्लॉप हो जाती है, ऐसे कैसे चलेगा। और वही देखो जो मूवी 200 करोड़, 300 करोड़, 150 करोड़ के आसपास बनी रहती है, वो अच्छा खासा उसका हाइप बना रहता है, और फिर वो अच्छा खासा कलेक्शन करती है बॉक्स ऑफिस पर। क्या लोगों के बीच में मूवी के प्रति इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है, या फिर थिएटर में जाने के लिए एक अच्छा खासा पैसा लगना चाहिए, लोग एक्शन वगैरह मूवी को ही देखना है थिएटर में प्रेफर कर रहे हैं, या फिर OTT की वजह से ऐसा हो रहा है कि लोग थिएटर में नहीं जा रहे। मुझे तो लगता है कि हाँ OTT ही मुद्दा है, OTT की वजह से लोग थिएटर में नहीं जा रहे। अच्छा बात, क्योंकि इंडिया में जिस तरीके से मूवी प्रोड्यूस हो रही है उससे अच्छा OTT पर उनको मिल जाता है। और फिर देखा जाए तो फिर उस जो अभी जैसे सलार, जैसे पठान, जैसे अपने ये डंकी भी आने वाली है शाहरुख खान की, और फिर जवान, तो इनमें अच्छा खासा बजट 200-250 करोड़ के आसपास लगा हुआ है। और आदि पुरुष की बात करें तो 700 करोड़ के आसपास भाई उसकी लागत पहुंच चुकी है। तो लोगों का क्रेज उसके प्रति है कि हाँ अगर मूवी में पैसा खर्च हो रहा है तो लोगों के माइंड में है कि हाँ मूवी बवाल होगी, मास होगी, और फिर मस्त थिएटर में एक्सपीरियंस करने लायक होगी IMAX वगैरह। तो यही है यार, अभी क्या ही बोले, मुझे तो बहुत बेकार लग रहा है कि अपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी कितनी अच्छी खासी मूवी जो है इस तरीके से पिट गई बॉलीवुड पर। और लोगों की बात करें, भोजपुरी इंडस्ट्री वाले भी ला रहे हैं अपनी मूवी, तो क्या ला रहे हो यार, हैं ऐसे ही चलेगी मूवी तुम्हारी। तो फिलहाल देखते हैं, उन लोगों का भी बाद में देख लेंगे। और भाई तुम क्या सोचते हो इस थिएटर वाले सीन की, और ये छोटी मोटी मूवी और बड़ी मूवी की, भाई तुम्हारा क्या ओपिनियन है इन दोनों के बीच में, तो बताइयो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, वीडियो को लाइक कर देना। बाय।